नमस्कार। देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हर साल लगभग 1 से 1.5 करोड़ लोग पढ़ लिख कर युवा युवतियाँ रोजगार की तलाश करते हैं और पिछले 6 सालों में जब से मोदी जी की सरकार आई बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी पर पहली मार हुई नोटबंदी, जिसमें छोटे और मध्यम और ग्रामीण उद्योग में काम करने वाले जितने लोग थे वो बेरोजगार हो गए, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। फिर आई जीएसटी। जीएसटी में जिस प्रकार की पेचीदियां रख दी उसकी वजह से छोटा और मध्यम व्यापारी जो था वो त्रस्त हो गया, उसके यहाँ काम करने वाले लोग भी बेरोजगार हो गए। और आखिरी मार हुई जो कोरोना में लॉकडाउन से। कांग्रेस पार्टी ने, राहुल जी ने न्याय योजना के बारे में बात की थी। अगर न्याय योजना को लागू कर दिया होता तो आज ये समस्या पैदा नहीं होती और भारत की जीडीपी की जो गिरावट आई है 23% की वो नहीं होती। आज भी मौका है, यदि 20 लाख करोड़ में से आप 1.5 लाख करोड़ व्यवस्था कर दें छोटे और मध्यम उद्योग के लिए और शिक्षित बेरोजगार परिवार जो हैं, शिक्षित बेरोजगार गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों को यदि 6,000 रुपये माहवार के न्याय योजना आप दे देंगे तो बहुत कुछ समस्या का निदान हो सकता है। इसलिए आइए हम सब मिलकर बेरोजगारों के लिए काम करें, उनकी लड़ाई लड़ें, क्योंकि बेरोजगारों को रोजगार देना ही भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता होना चाहिए। और हमें उम्मीद है यदि ये अवसर मिला तो भारत के बेरोजगारों में एक हिम्मत आएगी, काम करने की क्षमता बढ़ेगी और वे उम्मीद के साथ अपना काम भी ढूंढेंगे और उनके काम भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।